अजमेर शहर में इस बार मानसून अच्छा नहीं होने के चलते शहर को 20% पानी की सप्लाई में कटौती झेलनी पड़ रही है। यह कहना है अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र सिंह का। बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में जलापूर्ति बिसलपुर बांध से नियमित रूप से 320 ml पानी लेकर की जाती थी, मगर इस बार मानसून अच्छा नहीं होने के कारण तत्काल प्रभाव से कटौती की जा रही है। आगे आने वाली गर्मी को देखते हुए आगामी मानसून वैकल्पिक स्रोत से सप्लाई करेगा। साथ ही अभियंता से शहरवासियों से अपील है कि पानी के दुरुपयोग को कम से कम करें। अजमेर जिले में पेयजल आपूर्ति बीसलपुर बांध से दैनिक रूप से 320 ml पानी लेकर की जाती थी, जिसमें मानसून इस बार अच्छा नहीं आया, जिससे कटौती 20% की तत्काल प्रभाव से की जा रही है और बाकी आगे आने वाली गर्मी को देखते हुए आगामी मानसून तक जनता को समुचित और निरंतर पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए और कटौती की जाएगी और अजमेर ज़िले को इस कटौती से पेयजल के लिए विभाग पूरा सतत कार्रवाई कर रहा है और सभी वैकल्पिक स्रोत से अपने भूजल को रिवाइव करके हम व्यवस्था कर रहे हैं और निश्चित रूप से विभाग यथाशीघ्र इस योजना को कार्य योजना को लागू कर देगा और जलापूर्ति सुनिश्चित रहेगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।